तो हेलो दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँगा आईपी एड्रेस होती क्या है। फिलहाल सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये मालूम होगा कि आईपी एड्रेस होती क्या है। तो मैं यहाँ पे उसके वर्जन्स के बारे में बात करूँगा, वर्जन 4 और वर्जन 6, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। और यहाँ पे मैं इंटरनल आईपी और एक्सटर्नल आईपी के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। हालाँकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है इंटरनल और एक्सटर्नल आईपी में, तो यहाँ पे हम उस वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस माने कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यहाँ पे हालांकि सबको पता होगा आईपी एड्रेस होती क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली आईपी एड्रेस जो है वो एक डिवाइस की एड्रेस होती है इंटरनेट पे, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर डिवाइस से दूसरे पर्टिकुलर डिवाइस तक जाते हैं, तो ये आईपी के थ्रू ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे इनके वर्जन्स के बारे में। तो यहाँ पे मेन फोकस होगा वर्जन 4 और वर्जन 6 के बारे में। मैं यहाँ पे बताऊँगा एक्चुअली वर्जन 4 और वर्जन 6 क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं वर्जन 4 के बारे में, IPv4 के बारे में। तो ये आईपी एक्चुअली 1981 के आसपास शुरू हुई थी। जो स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, एक्चुअली आईपी एड्रेस ऐसी कुछ होती है। आप अपने गूगल पर जाकर टाइप करेंगे माई आईपी, तो यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेस दिखाई देगी। कुछ नंबर्स होते हैं, लाइक स्टार्टिंग में 3-2 नंबर होंगे, उसके बाद डॉट होगा, फिर से 2-3 नंबर होंगे, फिर से डॉट होगा, फिर से 2-3 नंबर होंगे, फिर से डॉट होगा। आईपी वर्जन 4 देखने को मिलता है। तो बेसिकली आईपी वर्जन 4 32-bit एड्रेसिंग यूज़ करता है। तो यहाँ पे नियरली हम 4,294,967,276 एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, जो अब बहुत लिमिट हो चुके हैं इसके नंबर। ये एक्चुअली ये इससे भी बहुत बढ़ चुका है इंटरनेट एड्रेसेस। तो ये इसको कम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आईपी वर्जन 6 इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे आईपी वर्जन 4 में जहाँ पर हम सिर्फ नंबर यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस देने के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस को, यहाँ पर वही आईपी वर्जन 6 में नंबर्स के साथ एक लेटर्स भी यूज़ करेंगे। तो आईपी वर्जन 6 एक्चुअली 128 बिट्स एड्रेसिंग यूज़ करेगा, जहाँ पे बहुत बहुत सारे आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, जो फ्यूचर के लिए भी काफ़ी हो सकता है। लेकिन कह नहीं सकते कि आईपी वर्जन 6 भी लिमिट हो सकता है। तो हालांकि यहाँ पे आईपी वर्जन 6 में सिक्योरिटी और इम्प्रूव्ड है आईपी वर्जन 4 में से कंपेयर करें तो, और यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स भी आ सकते हैं आईपी वर्जन 6 में। तो अभी यहाँ पे वर्क हो रहा है आईपी वर्जन 6 में, और आईपी वर्जन 4 तो लिमिट हो ही चुका है। तो आईपी वर्जन 6 अब अलॉट कर रहे हैं बहुत सारे डिवाइसेस को, न्यू डिवाइसेस को। वर्जन 6 कुछ इस तरह दिखता है, इस नंबर की तरह, लाइक इसको समझना बहुत मुश्किल, लाइक लेटर्स भी है, नंबर्स भी हैं। तो आप देख ही सकते हैं इस नंबर से तो बहुत सारे डिवाइस को अलॉट कर सकते हैं आईपी वर्जन 6 में, लेकिन ये कह नहीं सकते इस फ्यूचर में जाके भी लिमिट हो सकता है। तो अब बात करेंगे हम इंटरनल और एक्सटर्नल आईपी के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो जैसे कि अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे, तो अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं अपने होम में, तो वहाँ पे कुछ अलग आईपी दिखाएगा आपको, और जहाँ पर आपने गूगल पे जाकर टाइप करेंगे माई आईपी, तो वहाँ पे कुछ अलग आईपी दिखाएगा। तो यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाता है वो इंटरनल आईपी दिखाता है, और जो गूगल दिखाता है वो इंटरनेट का आईपी दिखाता है। तो इसके बारे में डिफरेंस क्या होती है कि जो राउटर आप जिसे आप किसी राउटर से करेंगे या फिर किसी वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, तो वो वाईफाई एक इंटरनल आईपी एड्रेस अलॉट करता है, एक इंटरनल नेटवर्क बनाता है, इंटरनली नेटवर्क बनाता है जो अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग आईपी देता है। इंटरनली नेट आईपी एड्रेस जो बनता है उसको हम इंटरनल आईपी बोलते हैं, और जो एक्सटर्नली जो गूगल पे दिखाता है जो आईपी एड्रेस, वो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनकी सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस होती है, एक ही एक्सटर्नल आईपी एड्रेस होती है, वो राउटर की आईपी एड्रेस होती है। और जो ये डिवाइसेस अलग अलग आईपी एड्रेस जो अलॉट होता है वो राउटर से अलॉट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक राउटर एक ही पैटर्न, सभी राउटर सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं 192.168.0. और उसके बाद नंबर वो कुछ हर एक डिवाइसेस का अलग अलग आईपी 1, 2, 3, 4 कुछ नंबर्स दे देता है। तो जब भी आप आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में, अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो आपको वो इंटरनल आईपी दिखाएगा, मतलब जो नेट आईपी वो राउटर बना रहा है वही आईपी दिखाएगा। अगर आप अपने रियल आईपी देखेंगे या फिर मतलब राउटर की आईपी देखना चाहते हैं, तो अपने गूगल पे जाके माई आईपी टाइप करेंगे, तो आपको राउटर की आईपी दिखाएगा जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हालांकि यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है इंटरनल एक्सटर्नल आईपी के बारे में, तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। आप जब आप आईपी कॉन्फ़िग अपने कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे, तो आपको अलग आईपी दिखाई देगा
इसलिए क्योंकि वो इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है, और जब आप गूगल में जाके माई आईपी टाइप करेंगे तो अलग आईपी दिखाएगा क्योंकि वो राउटर की आईपी एड्रेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोनों के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।